जन जन को ये मिलाने कृतज्ञ हमें बनाने पत्थर को मोम बनाने आया है। जिस दिन आपको ये श्रद्धा आपकी बनी रहेगी, ये श्रद्धा धर्म के क्षेत्र में पीड़ा है, पिताजी ने बचपन में छोटे भाई को ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, भले पीड़ा है मगर महाराज साहब वो गुलाब का पौधा है, पिताजी की चित्त की प्रसन्नता बनी रहेगी, हाथ जोड़ के बोलेंगे पिताजी आखिर वो भी तो मेरा भाई है, भले आपने दे दिया, ये कांटा है मगर कांटे के पीछे गुलाब है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं आपसे, सच बोलो, हमारी उम्र रोज बढ़ती है मगर जीवन छोटा होता है, ये मानने के लिए हम तैयार हैं क्या? हमारी उम्र रोज बढ़ती है, जीवन रोज छोटा होता है। वी बिलीव इट हृदय से, रोज याद आता है कि महाराज साहब रोज जीवन छोटा, रोज जीवन छोटा, रोज 50 का, 52 52 का, 54 54 का, 56 56 का, 58 58 का, 60 उम्र बढ़ती चली, जीवन रोज छोटा चलता है। और एक दिन कभी न कभी जीवन पर एंड लग जाएगा। आपको मालूम होगा बैट्समैन क्रीज पर हो, अपना ही रन का स्कोर वो देख रहे हैं स्कोरबोर्ड पे 296, मन में अरमान लगा के बेटा एक फोर लगाऊं और ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगी, हो सकता है 296 पे आउट हो जाए, हो सकता है। माने बैट्समैन इतना ही कह पाएगा मेरा कितना रन हुआ मगर कितना करूंगा, वो बोलने की बैट्समैन की ताकत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, और वो बोले सच हो जाए गारंटी भी नहीं है। आज मुझे पूछो आपकी कितने 68, मैं आपको पूछू कितने 62 63 65, जो भी है, हम सब इतना बोल देंगे माना साहब इतने हुए मगर इतने रहेंगे, ये बोलने की किसी की ताकत नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, पूनम के बाद अमास 15 दिन के बाद ही आती है, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त 12 घंटे के बाद ही आता है, वसंत ऋतु के बाद पतझड़ 3 महीने के बाद ही आती है। हमारे जीवन की अमास, हमारे जीवन का सूर्यास्त और हमारे जीवन की पतझड़ इस हॉल के बाहर निकलने के बाद भी आ सकती है। इतना अनिश्चित जीवन है फिर हम फ्यूचर पे क्यों छोड़ के बैठे? माना साहब आज से ही इस जीवन को बदल दूंगा। और लास्ट बात बताऊं, गाड़ी की दिशा चेंज करनी है, पेड़े को चेंज मत करना, स्टीयरिंग व्हील को बदल दो, गाड़ी की दिशा अपने आप से बदल जाएगी। नीचे उतर करके हर पेड़े को पकड़ के चेंज करोगे थक जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। ड्राइविंग सीट पे बैठे हो थोड़ा ऐसा कर दो, बस पूरे के पूरे पेड़े बदल जाएंगे। जीवन को बदलने में किसी को सफलता नहीं मिली है, और यदि हम मन को बदलना चाहते किसी को निष्फलता नहीं मिली है। परमात्मा का वचन जीवन परिवर्तन का नहीं है, विचार परिवर्तन का है। भगवान एक बार बोलते तेरे विचार परिवर्तन यदि हो गए तो जीवन परिवर्तन तो निश्चित होकर ही।